गाइज ये देखो, मैं जिस एंगल के बारे में बात कर रहा था, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जिस एंगल के बारे में बताया था, ये वही एंगल है। रॉ मटेरियल होता है 9 से 10 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। और ये वीडियो में देखो, मैन होल के थ्रू इसे अंदर किया जा रहा है ESP इंटरनल में। यही वो एंगल है जिसे एमिटिंग फ्रेम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इस एक एंगल की लेंथ अप्रोक्स 2720 mm के आसपास है। गाइज ये एंगल रॉ मटेरियल में आता है, 9 से 10 मीटर की इसकी लेंथ होती है। और इसमें से कितना कट करना है, मतलब कि इसकी लेंथ को कितना रखना है, ये डिसाइड करना होता है ड्राइंग देखकर। ड्राइंग के हिसाब से ही इसकी लेंथ को रखा जाता है। अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं तो आप बस इतना समझ लो कि एक वर्टिकल बॉक्स से दूसरे वर्टिकल बॉक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उतना ही लेंथ रखा जाता है इस एंगल का। और जैसा कि हम लोगों ने ड्राइंग में देखा तो उसमें 2720 mm का डिस्टेंस आ रहा था एक वर्टिकल बॉक्स से दूसरे वर्टिकल बॉक्स के बीच का। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने इस एंगल की लेंथ को रखा है 2720 mm। ये जो आप एंगल देख रहे हो, इस एक एंगल की लेंथ 2720 mm है। उसके अलावा एक काम हम लोगों ने और किया है इस एंगल में, दोनों साइड में होल किया गया है। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखो, ये देख रहे हो किस तरह से होल किया गया है एंगल में। एंड गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एंगल रॉ मटेरियल में आता है, इसमें किसी भी तरह का कोई होल नहीं रहता। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, ये होल अलग से किया गया है, हम लोगों ने किया है गैस कटिंग के थ्रू, ये नट बोल्ट टाइट करने के लिए। यही नट बोल्ट टाइट हो जाएगा जाकर वर्टिकल बॉक्स के साथ में। और ये दोनों साइड होल किया गया है एंगल के, दोनों साइड में। ये एक साइड है और दूसरा साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लो, इसमें नट बोल्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें लगाना बाकी है। ये सभी में आपको देखने को मिलेगा इस तरह का। गाइज, वीडियो में आप देख सकते हो किस तरह से एक एक कर सभी एंगल को ESP इंटरनल तक मैनुअली पहुंचाया जा रहा है इस मैन होल के थ्रू, जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो।